दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अनधिकृत 1731 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। सीएम आतिशी ने कहा कि 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के लोगों को बिना एनओसी के बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पहले डीडीए ने आदेश जारी कर कहा था कि लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए एनओसी की जरूरत होगी। सीएम ने इस आदेश को रद्द कर दिया और ऐलान किया कि लोग बिना एनओसी के बिजली मीटर के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे दीपावली के पर्व पर उनके घरों में रोशनी की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिजली कनेक्शन के लिए काफी परेशान रहे हैं। अब बिना एनओसी के बिजली कनेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है, जो डिस्कॉम्स को दिया गया है, उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।